आज ही के दिन 1779 में स्पेन ने अमेरिका के समर्थन में ग्रेट ब्रिटेन पर हमले की घोषणा की। 1881 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। 1890 में आज ही के दिन अमेरिका में दूसरे मैडिसन स्क्वायर गार्डन को खोला गया। आज ही के दिन 1925 में स्वराज पार्टी के नेता चितरंजन दास का निधन हुआ। चितरंजन दास राजनीतिज्ञ, वकील, कवि तथा पत्रकार थे। 1950 में बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अभिनय की शुरुआत कला फिल्म मृगया से की थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके ढेरों प्रशंसक बने। 1982 में डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका निभाकर उन्हें लोकप्रियता मिली। मिथुन चक्रवर्ती मौजूदा समय में भी फिल्मों और टेलीविजन के कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। 1963 में विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष में पहुंची थी। 26 वर्षीय रूसी महिला लेफ्टिनेंट वेलेंटिना तेरेश्कोवा ने रूस की राजधानी मॉस्को से अंतरिक्ष यान वोस्तोक 6 में अपना सफर शुरू किया। कपड़ा उद्योग में काम कर चुकी तेरेश्कोवा रूस की छठी अंतरिक्ष यात्री थीं। उनके मिशन का मुख्य मकसद था एक और अंतरिक्ष यान के साथ तालमेल बैठाना। वोस्तोक 6 के उड़ान भरने से 2 दिन पहले ही वोस्तोक 5 अंतरिक्ष में भेजा गया था। दोनों अंतरिक्ष यान आपस में रेडियो के जरिए संपर्क बनाने में कामयाब रहे। अपनी यात्रा के बाद तेरेश्कोवा कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बन गईं और दोबारा कभी अंतरिक्ष की उड़ान नहीं भरी। 1979 में सीरिया में मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ संघर्ष में 62 शेखों की मौत हुई। 1992 में राजकुमारी डायना पर विवादास्पद किताब का विमोचन किया गया था। डायना अ ट्रू स्टोरी यानी डायना एक सच्ची कहानी के नाम से प्रकाशित इस किताब में बताया गया कि डायना ने पिछले 10 साल में कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। किताब के लेखक एंड्रू मार्टिन ने दावा किया था कि इन सभी बातों की जानकारी उन्हें बेहद विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। बकिंघम पैलेस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस किताब पर कोई टिप्पणी नहीं दी जाएगी। हालांकि स्पष्ट किया गया कि इस जीवनी में राजकुमारी डायना ने कोई सहयोग नहीं दिया है। 31 अगस्त 1997 को राजकुमारी डायना की पेरिस में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। 2008 में कैलिफोर्निया में समलैंगिक जोड़े को शादी करने की इजाजत मिली। 2012 में बहुराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी कोका कोला ने म्यांमार में 60 वर्षों के बाद कारोबार शुरू किया और 2013 में इराक में सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 20 लोग मारे गए और 2013 में इराक में सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 20 लोग मारे गए